इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजी करबला और असर हाजिर प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आज 16 मुहर्रम है, 25 अगस्त है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरउम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफिया से होंगे। नाजिन हमारा मौजू इस्तकामत जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू तकरीबन 2 दिन से जो है वो मुसलसल इसके ऊपर जो है वो जारी हो सारी, इसको मुख्तलिफ जहतों के साथ मौजूए सुखन बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ हवालों से इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। क्या कुछ तारीख ने अलमबंद किया जब उसरा अहले बैत का कारवान करबला से कूच करता है और असीर करके उनको कूफे की जानिब फिर ले जाया जाता है, तो रास्ते के क्या क्या मसाइब थे, कहाँ कहाँ पे इख्तियाम हुआ, कहाँ कहाँ पे खुतबात दिए गए, उस खुतबों के मतन क्या हैं और क्यों जरूरत पड़ी और उसके आलमी क्या असरात पैदा हुए, क्या वो खिताब सिर्फ कूफे में लोगों से था या उसका मैसेज रहती दुनिया तक आगे जाना था, और उसके साथ साथ जो आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इजरा किया गया उसके मकसद उसका क्या था और हकीकी अजा क्या है, तमाम चीजों के साथ एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे मेहमान गिरामी जो हमारे साथ हैं उसका तारुफ करा देते हैं, हालांकि दोनों शख्सियात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना रोमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से, हमारे साथ मौजूद है मौलाना मोहम्मद शारिफ साहेब हिंदुस्तान से। अपने दोनों मेहमान ने गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज करेंगे और सईद शहदा का पुरसा भी पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। जजाकल्ला जजाकल्ला। एक मरतबा फिर अपने तमाम नाजरीन को जो हमारे साथ जुड़े हैं एक मरतबा फिर ताज़ियत पेश करेंगे और थोड़ी सी तमीज़ी गुफ्तगू करके प्रोग्राम का जो है वो आगाज करेंगे। मौलाना शारिफ साहब आप प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि जो जो खुतबे दिए गए हैं जिस तरह से तारीख हमें बताती है कि जो करबला से असीरों का काफिला आगे बढ़ा है, तो जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ खुतबात हैं जिसमें कल हम उसकी पूरी मंजरकशी के ऊपर बात हुई थी कि किस तरह आपने लोगों के अजदहाम को जो जवाहिर थे उनको खामोश करवाया और वहां पर खुतबा दिया जिसको अदबी अरबी अदबी अदबियात से अगर देखा जाए तो वो तमाम अपने पूरे वतन के साथ अपने अजीम खजानों के साथ मालामाल था, क्योंकि एक ऐसी सूरत में एक खुतबा देने वाला एक ऐसा शख्स एक ऐसी शख्सियत है जो असीर है जिसके हाथ फंसे गर्दन बने हुए, मगर उस वक्त भी जो कलाम किया जा रहा है वो मुकम्मल अदबियात के साथ और बहुत ही जामे और मोहकम है। उसके थोड़े से अगर हम खुतबे के मतन के ऊपर जाएं उसका थोड़ा सा मतन हम आगे बढ़ाएंगे, खिलाफ उसकी वो थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद आलम की बारगाह में रस्म दुआ हूँ कि हम सब की अज़ादारी को सही तरीके से और बेनंग एहसन अंजाम देने का सलीका हमें इनायत फरमाए और साथ साथ हमारी अज़ादारी को कबूल फरमाए। और बहुत ही अहम मौजू की तरफ आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं लगातार, हालांकि आज मेरी पहली शिरकत है इस उनवान पर यहाँ पर आपके साथ हो तो, और इसमें जो उनवान है सब्र इस्तकामत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इसके सिलसिले से जैसा कि आपने खुद अर्ज किया कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो अजीम खातून थी जो बाद कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह पर फायस थी, जो काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत से पहले थे, लोग अपने मसाइल उनके सामने पेश करते थे, परेशानियां उनसे उनके सामने पेश शेयर करते थे। अब जब इमाम अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए शहीद हो गए हैं तो अब तमाम अहले हरम के मलजा मावा जो थी वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी, इन्हीं से लोग मुतवज्जे हो रहे थे, इन्हीं की तरफ सबकी तवज्जो थी। और हर क्योंकि जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी जैसा कि मशहूर है मारूफ है रवायात में है कि बीमारी के आलम में थे उन दिनों, और ख़ासतौर से रोज़े आशूर तक शाम गरीबा तक जो है इस तरह के हालात थे, तो तमाम हालात जो है इस तरीके के मुहैया हो गए थे कि लोग किसी मर्द और की तरफ जो है मुतवज्जो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमाम सज्जाद के अलावा और इस तरीके का कोई था नहीं कि उसकी तरफ लोग आसानी से तवज्जो करें। तो जनाब ज़ैनब औलिया मकाम ही वैसी खातून थी जो उस वक्त हुसैन बन करके उभरी और
लोगों के दिल में जो जज्बा और ताल्लुक ईजाद था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से, बिल्कुल जनाब जैनब के सिलसिले से वही ताल्लुक ईजाद हुआ और वही ताल्लुक बाकी रहा। लिहाजा तमाम बहनों की ढालत जनाब जैनब थी, तमाम बच्चों की ढालत जनाब जैनब थी। अब जनाब जैनब जैसे ही जैसे उनको करबला से आगे बढ़ाया गया तो दुश्मन हर आन इस ताक में था कि कैसे अपने इस काम को सही तौर पर नुमाया करें कि हमने ये जो काम किया है कि कोई गलत काम नहीं किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है, कोई खता नहीं की हमने, बल्कि ये जो काम किया है वो काम है जो दीन हमसे चाहता था, या हमने दीन की मोहब्बत में ये काम किया है, दीन के लगाव में ये काम किया है। तो ऐसे मकाम पर खुद जनाब जैनब उलिया मकाम और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बारहा इन मकाम पर मंजिलों पर कुछ ना कुछ इरशाद फरमाते थे। इनमें से जो मशहूर हैं वो जनाब जैनब के एक खुतबा जो है वो ये है कि जो आपने कूफे में पेश किया वहां पर बयान किया, दूसरा खुतबा जो शाम में आपने बयान किया है। तो आज हम जो है कोशिश करेंगे कि कूफे के खुतबे पे कुछ गुफ्तगू करें। तो ये खुतबा जनाब जैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने पेश किया। देखिए करबला के गुजरे हुए जैसे कि आयात में मैंने देखा कि या इसी के आसपास की तारीखें अगर इख्तलाफ रवायात पाई जाए तो वरना मैंने तो 12 मुहर्रम को देखा कि 12 मुहर्रम को इस तरीके के हालात पैदा हुए कि अब जनाब जैनब कूफे पहुंची हैं और वहां पर आपके काफिले को रोका जा रहा है और काफिले को न सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि लोगों को दावत दी जा रही है कि आए तमाशा देखें। लोग आ भी रहे हैं तमाशा देखने के लिए, आगे बढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि तमाशा देखें क्या होने वाला है। क्या ऐसे आलम में सरहाए शहदा भी आपके साथ में अजीब संगीन देखने में तो कोई भी देखेगा तो उसे उनकी मजलूमियत उसके लिए आश्कार हो जाएगी, लेकिन जो प्रोपेगेंडा पीछे से किया जा रहा है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन के खिलाफ खुरूज किया था, दीन के खिलाफ के खिलाफ से कुल्ली तौर पर कहा जाए, तो ऐसे मकाम पर जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अभी तक सब्र की तमाम मनाजिल तय करती आ रही है जनाब जैनब, एक से बढ़कर के एक जुल्म बर्दाश्त। खुद रोजे आशूरा तक, रोजे आशूरा के बाद तो फिर आप सब वाकिफ हैं इस बात से कि कैसे कैसे मजालिम हैं, और उन सब मजालिम में जो अहम किरदार है जो सबके लिए ढारस है वो जनाब जैनब की, लिहाजा तकलीफ भी सबसे ज्यादा जनाब जैनब को ही होनी है क्योंकि सबके गम में उन्हीं को तसल्ली देनी है। ऐसे आलम में जनाब जैनब ने खुतबा इरशाद फरमाया, जो खुतबा कूफा कूफे में जो खुतबा इरशाद फरमाया वो खुतबा इसमें अभी इंशाल्लाह जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो बयान होगा, लेकिन उससे पहले जो मंजर वहां पर बयान होता है कि शायद मेरे ख्याल से बयान किया जा चुका हो अगर एक एक दो दिन से गुफ्तगू हो रही है, कि जो रावी कहता है कि मैंने देखा नहीं कि कोई बापर्दा खातून इस तरीके से गुफ्तगू करे, इस तरीके से खुतबा पेश करे, और जब वो बोली हैं तो गोया मौलाए कायनात की जबान से गुफ्तगू कर रही हूँ, उनकी आवाज में उनके अंदाज में गुफ्तगू हो रही है, और उसके बाद ऐसा हैजानी आलम था वहां पर लोग, जाहिर सी बात है कि जब तमाशा देखने लोग आ रहे हैं, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बाजार में ये खुतबा इरशाद फरमाया, तो तमाशा देखने आ रहे हैं लोग, बाजार का कैसा आलम रहता है, कैसी सूरत हाल रहती है अगर इस बात को मान लीजिए कि बाजार में किया है, तो बाजार में तो पर लोग माहौल आरामदेह और सुकून का माहौल नहीं होता है बाजार में, कोई इधर से शोर कर रहा है, कोई इधर से शोर कर रहा है, और उसमें इस तरीके का जब कोई कारवान आ जाए तो कैसा आलम रहा होगा ये तस्वीर ही किया जा सकता है, यहाँ से थोड़ा सा मैं अभी आपसे खुतबा भी सुनूंगा। रोमान रिजवी साहब, तारीख करबला में जनाब जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार है उस पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू अभी तवीदी गुफ्तगू में थोड़ी सी उसके ऊपर कबीला ने रोशनी डाल दी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अगर तवीदी गुफ्तगू अजा के ऊपर करें, क्योंकि जो इस तहरीक को यजीदियत की पूरी कोशिश थी कि शहीद शहदा के खून को अपने जुर्म को छुपा दिया जाए करबला में, उस रेगिस्तान की नजर कर दिया जाए, और इलाहियात की कोशिश ये थी जनाब जैनब कुबरा सलामुल्लाह की कोशिश ये थी कि इस ये कुर्बानी छुपने ना पाए, इसको आलमगीर कर दिया जाए कि जो जुल्म अहले बैत के साथ हुआ अहले बैत का हक उससे आश्कार होता है,
और तागूत का चेहरा उससे बरहना होता है, उसके पड़े हुए चेहरे पर जो इस्लामी नकाब है वो उतरती है और उसका मखरू चेहरा दुनिया के सामने आया होता है। तो इस खून को छुपना नहीं चाहिए, इसको कूचा वो बाजार में निकल आना चाहिए और इस तहरीक को आलमी हो जाना चाहिए। उस आलमी तहरीक का नाम आजादारी सईद शहदा रखा गया और आजादारी के तौर तरीके तरतीब दिए गए कि किस तरह से सईद शहदा की अजा होगी। अजा को अगर मैं यहाँ डिफाइन करना चाहें आपकी तवसुफ से, तो अजा है क्या, क्या एक्चुअल हकीकी आजादारी क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा लन क़त्लत अल हुसैन व औलादिही व असहाबे। अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में सरज़मीन मुक़द्दस से नजफ़ी अशरफ से सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हुए सबकी बारगाह में सबकी खिदमत में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुसीबतों का पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ और अपने तमाम नाज़रीन अपनी जानिब से अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अज़ीम बारगाह में उनके लूटे हुए घर की ताज़ियत। बेहतरीन आपने सवाल किया आज़ादारी और अज़ा, मुख्तसरन आपके चैनल के तवस्सुल से जहाँ तक आपके इस कैमरे का फैलाव है जो लोग सुन रहे हैं, आज़ादारी असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में नालो शेवन करना, आपके गम में गमगीन होना, आपके गम में मातम बपा करना, फ़र्श अज़ा का बिछाना, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंसान खुदा की बंदगी के कमाल को हासिल कर ले, ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद है। रहती दुनिया तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत एक ऐसा इनकलाब है और वो फलक इनकलाब है कि जिसके तहत जिसके नीचे जो भी आ जाए वो अमन व अमान में आ जाता है। और जैसा कि खुद पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नल क़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिन ला तबरदु अबादा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के सिलसिले में, उनकी शहादत के सिलसिले में खुद रसूल इस्लाम की हदीस है कि हज़रत इमाम हुसैन के कत्ल की वजह से जो मोमिनों के दिलों में हरारत पैदा हुई है ये कभी भी सर्द नहीं होगी। और यही वजह है कि आज जहाँ जहाँ भी मोमिनीन के कुलूब पाए जा रहे हैं वहाँ वहाँ आज़ादारी इमाम हुसैन मोमिनीन के दिलों में धड़क रहा है। खुदा की बारगाह में बस यही दुआ है कि या रब गमे हुसैन से दुनिया भरी रहे, अश्के अदा से दीन की खेती हरी रहे, आंखें गमे हुसैन में बरसें कुछ इस तरह, फर्शे अजा भी देर तलक शब नमी रहे। पूरी दुनिया आज इमाम हुसैन की अदादारी के फर्श पे आकर इस बात का ऐलान कर रही है और उसको एहसास है कि अगर हम जिंदगी चाहते हैं तो जिंदगी हुसैन मख्तल में, जहां लोग मौत के खौफ से यजीदी लश्कर में कपकपाहट महसूस की जा रही थी, लेकिन लश्कर इमाम हुसैन में जिस तरह जवां मर्दी शजाअत और इसारो कुर्बानी का जज्बा आवेजा था, ये इस बात की बयान दलील है कि जिसे दुनिया मौत समझ रही है वहाँ असल में हुसैन जिंदगी तकसीम कर रहे थे। अभी 8 या 7 मुहर्रम को मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम से मेरा प्रोग्राम था। मौला अब्बास के हरम के किसी दीवार पे एक बड़ा खूबसूरत सा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें दो रुख दो लश्कर के हवाले से गुफ्तगु थी। एक तरफ लश्कर यजीद की तादाद बताई गई और लश्कर यजीद के बारे में जो नुमाया चेहरे थे, जो करीहू शक्ल चेहरे थे, उनके नाम लिखे हुए थे, और एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो काफिला के जो काफिले हुसैनी के नाम से मंसूब है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लश्कर में जितने अफराद थे तो उसमें और यजीद के लश्कर में जो वहाँ पे मुआजना कराया गया, मुआजना तो नहीं लेकिन दोनों के दरमियान जो एक फ़र्क बताया गया कि इमाम हुसैन के लश्कर के अफराद के जहाँ सब्र का नमूना दिखाया गया, जहाँ शजाअत दिखाई गई, जहाँ खुदा की बंदगी का कमाल दिखाया गया, वही यजीद के लश्कर में आप देखें तो बेनमाजी वहाँ आपको नजर आएंगे, शारेबुल खम्र वहाँ पे आपको नजर आएंगे, अल्लाह की बगावत अल्लाह की मुखालफत करने वाले खुद अल्लाह का नाम लेकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करके इस्लाम के तकद्दस को पामाल जहाँ किया जा रहा है वो लश्कर यजीद है। तो आज़ादारी हमारे दरमियान इस बात का ऐलान करा रही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बंदगी के उस मेराज को हमारे सामने पेश किया कि जहाँ पे अगर कोई इंसान आज आ जाता है तो उसे समझ में आता सही इस्लाम क्या है, हकीकी मफहूम इस्लाम क्या है। यही वजह है कि यजीदियत के कबीले में आज भी आज़ादारी का सूरज जब भी रोशन होता है, आज़ादारी का सूरज जब भी तुलू होता है तो वहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये सूरज की किरण जहाँ जहाँ रोशनी फैलाएगी वहाँ वहाँ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र से सही इस्लाम को समझेंगे,
सही दीन को समझेंगे। लिहाजा बेदीन अफराद इस बात की कोशिश करते हैं कि आज़ादारी के अंदर एक रखना डाला जाए, आज़ादारी के चेहरों को मस्क किया जाए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि जिस आज़ादारी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, जिस आज़ादारी की जमानत और जिसकी विरासत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हाथ में, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसे कोई नेस्तो नाबूद नहीं कर सकता। इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरीके से जो आज़ादारी जो एक आलमी तहरीक है जिसके जरिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून को आश्कार किया गया, उसको छुपने ना दिया गया, पूरी दुनिया इस वक्त कमो बेश अगर देखा जाए, और फिर मैं इसको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि छोटे से छोटे मंतकले में क्या बड़े शहर, क्या करिए, क्या कस्बे, क्या टाउन, क्या मोहल्ले, छोटे से छोटे मंतके में भी दुनिया के अगर कोने पर कोई इलाका है तो वहां भी या हुसैन की सदा बुलंद करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, और कोई जगह ऐसी नहीं है। और ये कामयाबी है मा अराइतु इल्ला जमीला, ये वो ऐलान है, ये उसका प्रैक्टिकल ग्राउंड है, ये उसका प्रैक्टिकल ग्राउंड है कि तुम छुपाना चाहते थे, फिर आपने फरमाया, ये भी फरमाया था कि तू हमारे पैगाम को नशर होने से नहीं रोक सकता, तुझे जितना जोर लगाना है तू जोर लगा ले, तो हमारा पैगाम नशर होने से, ये तेरी कुदरत नहीं है, तुझे ताकत नहीं है तुझमें कि तू हमारे पैगाम को नशर होने से रोक सके। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो पैगाम आलमगीर है, ये सिर्फ और सिर्फ उस जस्तजू का, उस कुर्बानी का, उन मसाइब को सहने का ये उसका सिला है जो जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि ने हर जगह जो है करबला से लेके कूफा और कूफा से शाम, और भी जैसे जैसे नाज़िर तारीखें आगे बढ़ेंगी, ये काफिले सीधा रास्ता कौन सा था और कहाँ कहाँ से घुमा के ले जाते रहे, इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे जो कुछ अहले बैत पर मुसीबत गुजरी है उन्होंने महसूस किया, जहां तक हमारी सही हम कर सकेंगे, जहां तक हमारा बस चलेगा, वहां तक इस अपने वक्त में रहते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि उन तमाम लहजात को डिलीवर करने की कोशिश करें इन टूटे फूटे अल्फाजों के साथ। तो बढ़ेंगे जनाब शारिफ साहब की तरफ। कबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उस माहौल को बताया कि एक बाजारों का माहौल क्या होता है, फिर जम गफीर एक जमाहिर जिसको ये बताया गया था कि बागियों ने बगावत की और उनको सजा जो है वो दी गई, और जब उन्होंने खुतबा सुना और उनको पता चला कि ये बागी नहीं, ये तो बानी इस्लाम की औलाद है, ये तो वही का घर है, ये तो वो घर है जिस पर मलक उतरते हैं, तो फिर वहां पर क्या माहौल था और शहजादी ने किस ग्रोह की सरजरिश की। कबला, ये जरा इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। जी, सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि शहजादी ने जो माहौल वहां पर देखा, उस माहौल में शहजादी का एजाज कहेंगे कि ऐसे माहौल में लोग अगर एक दूसरे को चुप कराना चाहे बोल करके, तो लोग सुनते नहीं है, कान नहीं धरते लोग उनकी बातों पर कि कोई चुप करा रहा है, शोर शराबा इतना होता है। ऐसे में जो रावी ने जो जुमला अदा किया कि इशारा किया जनाब ज़ैनब ने सबकी तरफ, साकित होने का इशारा था, और उस इशारे ने इतना असर किया कि गोया लोगों की सांसें उनके सीनों में दब गई, लोगों की सांसें उनके सीनों में दब गई हो। और हत्ता ये भी जुमला है कि जो कारवान में जो जानवर थे उनके गले में जो घंटियां थी, उन सब घंटी वो सबकी आवाजें भी बंद हो गई। ऐसा माहौल जो है जनाब ज़ैनब ने ईजाद कर दिया, सिर्फ एक इशारे से। उसके बाद जो है जनाब ज़ैनब, आपकी 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 इजाजत से कॉल छोटी सी ले लो। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, आपकी इजाजत से। वालेकुम सलाम मौसी भाई, आलिस्ता मजा। अलैकुम सलाम मौला अली मुद्दत जी, दोनों उलमाए इकराम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली अस्सलाम मदद। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह या अली मदद। आपकी बातें जितने उलमाए इकराम आते हैं अल्लाह ताला उनकी ये सारी बातें अल्लाह पाक आपकी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है ये, वक्त का तकाजा है कि पाक बीबी जनाब सलामुल्लाह अलैहा ने सलाम का पर्दा चाक किया है, ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ, मैं रोज ही बात करता हूँ लेकिन बात खत्म ही नहीं होती है मौसी भाई की, क्या करें कि पाक बीबी जैनबुल्ला सलामुल्लाह का ये खुतबा जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर आशार होना चाहिए, हर किसी को पता लगना चाहिए कि पाक बीबी सलामुल्लाह ने क्या खुतबा के दरबार में दिया था। अगर ये तो हकीकत है, हम उलमा इकराम से सुनते आ रहे हैं कि पाक बीबी सलामुल्लाह अगर ये ना करती, अगर ये सफर ना होते तो शायद यजीदियत जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को छुपा देती, जिस तरह के ये हरबे अभी पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं।
लेकिन ये छुपा नहीं सकते कि पाप भी इस्लामुल्लाह का ये वादा है और ये इंशाल्लाह ये कातिल सामने होके रहेंगे इंशाल्लाह। इनके अबाउजाद भी कातिल हैं, ये भी कातिल हैं, आज के दौर के यजीदियत भी ये इन बातों को छुपा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा इस्लाम को सेहत और तरक्की और फरमाए। ये बातें बड़ी आशना करने वाली है, मीडिया का दौर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला जजाकल्ला। देखिए हम तो उन लोगों से साफ साफ बरमला कहते हैं कि जो कहते हैं कि जी इस आज़ादारी को या वो एक झूठा एक मुस्लिमीन के दरमियान जाली एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी ये तो अजाब है, तो हम तो कहते हैं कि हमें और बड़े रूट दिए जाएं। भाई अगर अजाब हम पे तो हम तो और बड़े रूट मांग रहे हैं, तकलीफ आपको क्यों हो रही है, आप क्यों एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी मेरी दुकान के आगे से जुलूस ना जाए तो मेरी मस्जिद के आगे से जुलूस ना जाए। आप अगर समझते हैं अपने कॉल ऑफ फेल में सच्चे हैं, अगर अजाब नाजिल हो रहा है तो हमें हम तो बड़े रूट मांग रहे हैं, हम तो पूरे पूरे दिन मातम करना चाहते हैं, हम तो साफ साफ कह रहे हैं। बहरहाल हमारी कमिटमेंट पहले दिन से इमाम हुसैन सलाम के साथ, दुनिया जानती है इस पर लाखों करोड़ों कुर्बानियां मोमिनीन देते चले आए हैं और आज भी जो है उसके ऊपर दरेग नहीं करते। तो कौन किस कबीले का है ये बात आया है, वो बात अलग है कि इंसान जो है वो दोगली बातें करे वो एक बात अलग है। चलो तेजी के साथ आगे पढ़ूंगा। खुतबे के मतन के ऊपर बात हो रही थी, किस ग्रोह को किस ग्रोह की सरजिश की गई। जी इस खुतबे में जब इंसान मुताला करेगा तो सबसे पहले मालूम ये होता है कि मेरे ख्याल से कि एक एक लाइन पे गौर करना चाहिए इस खुतबे के, क्योंकि जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने बहुत मुख्तसर खुतबा दिया है कि बहुत तुलानी खुतबा नहीं था कि शायद एक घंटे की तकरीर हो या कुछ, आप अगर देखेंगे तो बस कुछ पैराग्राफ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे मतालिब को उन्होंने पेश कर दिया है। खुद कूफे वालों वहीं से खुद कूफे वालों को उनकी कुछ सिफात का, चार से पाँच सिफात का जिक्र करके उनकी सरजनिश करना शुरू किया है। सबसे पहले तो उनको इसी पे रोकना शुरू कर दिया कि तुम लोग अब जो है मेरे ऊपर रोकते हो, रोते हो मेरे ऊपर, या अहलल खतले वल गदरे अतबकून, जो है जो शहजादी ने क्या कहा, अहले धोखा अहले खयानत, तुम लोग अब रो रहे हो मेरे ऊपर। सबसे पहली बात तो कूफे वालों को अहले धोखा कह दिया, अहले खयानत कह दिया। अहल जब इस्तेमाल होता है यानी उसमें कम से कम एक बार से ज्यादा जो है वो चीजें कम से कम पाई जा रही हो तभी किसी को अहल कहा जाता है। एक बार अच्छा, उस खाइन कोई अहल नहीं हो जाता, उस खाइन के रोने में, उस खयानतकार के रोने में जो कि रोक सकता था सैयद शोहदा की गर्दन पर तलवार आने से रोकने में अपना किरदार अदा कर सकता था, उसके बाद के पछतावे के रोने में और हुक्म मासूम से सैयद शोहदा की आजादारी में गिरिया करने का भी फर्क वाजे कीजिएगा, इस पर भी कंफ्यूजन फैलाई जाती है। जी देखें ऐसे तो हमारे पास हदीसें हैं कि मन बका अल हुसैन अबका व तबाका वजन्ना या फलहुल जन्ना, कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोए या रोने जैसी सूरत बनाए या रुलाए उसके लिए जन्नत है, या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वो अजीम जो है उसे रिवाज जो है यमन शबीब इनकुन तबाके अल शेख फक्के अल हुसैन या फक्के अल हुसैन, कि ऐ इब्ने शबीब अगर तुम किसी पर रोना चाहो तो सिर्फ हुसैन पर रो, हुसैन के लिए गिरिया। यहाँ पर इतनी अहमियत बताई जा रही है कि इन पर गिरिया करना, गिरिया नहीं आ रहा है तो रुला कर रहे हैं, तब भी रुला कर नहीं रहे हैं तो सूरत बना ले रहे हैं, इतना आसान कर दिया है। जी सही, तो ऐसे रोने का जो है कम से कम सवाब जो वहां पर जिक्र हुआ वो यही कि उसके लिए जन्नत है, तो इतना अजीम अगर सवाब है और जन्नत जो है तमाम इंसानों के आमाल का नतीजा हुआ करता है सवाब की, तो इतना अजीम अगर कोई अजर है किसी चीज का रोना, तो वो रोना किसके और रोना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो जनाबे ज़ैनब देख रहे हैं कि लोग रो रहे हैं, लोग गिरिया कर, जनाबे ज़ैनब के माज़ल्ला क्या नहीं जानती थी, ये मेरे भाई के लिए रो रहे हैं, मेरे भाई पर रो रहे हैं या हम लोगों पर रो रहे हैं, फिर फर्क है क्या है दोनों में, कि अब यहाँ पर जनाबे ज़ैनब उनके लिए कह रही है या अहल खत यानी ए धोखा देने वाले या ए खयानत करने वाले तुम लोग रो रहे हो, तो जनाबे ज़ैनब ने ये फर्क वाज़े कर दिया कि देखो हर रोना हुसैन पर ये नजात नहीं दिलाता है, हर रोना हुसैन पर ये इंसान को उसके मकसद तक और जो है कामयाबी तक नहीं पहुँचा सकता है, रोना उस वक्त कामयाबी पर पहुँचाएगा जब आप उनके बन के रोओगे, उनके खैमे में आकर के रोओगे, उनके तरफ आकर के रोओगे, लेकिन अगर मुनाफ़िकत भरे अंदाज में इंसान रो रहा है कि जाहिर में आंखों से आंसू जारी है और इतना जारी है कि
बह जाए, लेकिन जिसने अहले बैत का हक, जो अहले बैत का हक गसब करे उसके खेमे में बैठ के जी हम भी रो रहे, तो उस पर ऐसे रोना, तो क्या रोना हुआ ये? यानी ईमान को हक माने, ईमान की मजलूमियत को तसव्वुर करे और फिर जालिमों से बेजारी इख्तियार करे, जालिमों से बेजारी इख्तियार करे कि अब जिन्होंने जुल्म किया है उन्हें भी हम सच्चा ना माने, उनके तरफ उनकी तरफदारी ना करें, उनकी तरफ झुकाव ना हो हमारा, तब ऐसा जो रोना होता है जो है हदीसों के अतबार से वो रोना अहमियत का हामिल होता है। लेकिन कूफे में भी लोग रो रहे थे, लेकिन ये रोना जनाब सैनब ने फर्क वाजे कर दिया कि देखो अब तुम जो रो रहे हो तुम जानते हो कि ये जो तुम्हारा रोना है और तुम्हारे दिल में कुछ और बसा हुआ है, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही रहम होता, तरहम होता, इतना ही तुम्हें बुरा लगता, इतना ही तुम्हें दुख होता, तो तुम आज ये सिचुएशन में हमें लाके खड़ा नहीं करते। आखिर तुम्हारे ही लोगों ने जा करके हमें मारा है, तुम्हारे ही यहाँ से लोगों ने मारा, तो इसका मतलब सिर्फ रोना में आ रहा नहीं है। रोना यानी जो जालिम है, जो जुल्म जिन्होंने किया है अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम पर, कर्बला के जहां बात कर रहे हैं, उन जालिमों से बेजारी के साथ अगर रो रहे हैं, उनसे अपने अपना रास्ता अलग करके रो रहे हैं, उनके सामने आकर के रो रहे हैं, ना कि उनसे लगाव के साथ साथ रो रहे हैं, अगर लगाव के साथ साथ रो रहे हैं तो ये रोना मुनाफिकत का रोना होगा। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ रुमान साहब। जिस तरह से अभी आजादारी सैयदा के ऊपर आपने उसका तारुफ किया कि असल बुका है क्या, असल आजादारी है क्या, उसके रूह क्या है और उसके मकासद क्या है, अब जहां पर हम देखते हैं जैसे जिस तरह से मैंने शहजादी का एक कॉल कोट किया जो उन्होंने यजीद का रूह बनू कहा तुम्हारे पैगाम को नशर होने से नहीं रोक सकता, क्या ये सिर्फ उस यजीद के लिए था या क़यामत तक आने वाले हर यजीद के लिए, हर यजीदी फिक्र के लिए जो सैयद शहदा की आजादारी को रोकना चाहता है, क्या ये उन तमाम तर मलाइन से खिताब है या उस एक मलून से खिताब? जी बेहतरीन सवाल, यकीनन आपने सवाल में ही अपना जवाब पेश कर दिया। शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ख़तीबा फ़ातह शाम मलक इस्मत व तहारत की वो अजीम शहजादी हैं कि जो इस्मत के आगोश की परवरदा हैं और जिसके लिए खुद सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंत बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैरु मुअल्लिमा। ये शहजादी के हवाले से समझें तो एक मुकम्मल कुरान है। अगर फजीलत शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अली इब्नुल हुसैन का ये कौल, ये हदीस के फूफी जान आप खुदा के फजल से ऐसी आलिमा है कि जिसे कोई तालीम देने वाली नहीं है, ऐसी आप फहम ज़का की मालिक हैं कि जिसे कोई समझाने वाला नहीं, यानी अल्लाह ने आपको ये तोहफे अता किए हैं। तो शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जिसके मुकद्दर में जो लिख दिया वो ताक़यामत तक तहरीर है और वो सख्त है। शहजादी की निगाह में जो मलून हो गया वो मलून है। अब कोई मसलहत के कैप्सूल में रख कर उसे मार्केट में प्रोडक्ट करता रहे लेकिन वो लानती हो चुका है तो लानती है, लानती रहेगा। शहजादी ने फर्श अज़ा इमाम हुसैन यजीद के दरबार में बिछा कर आज़ादारी इमाम हुसैन का परचम, चूँकि गाजी अब्बास की बहन का नाम ज़ैनब है, शब्बीर की बहन का नाम ज़ैनब है, जिस फर्श अज़ा को शहजादी ने बिछा दिया क़यामत तक उस फर्श को कोई उठा नहीं सकता। जिस अलम को शहजादी ने नस्ब कर दिया, दुनिया लाख कोशिश करे कि उस परचम को सरनगू कर दे लेकिन जिस परचम की बुलंदी की जमानत अल्लाह ने ले रखी हो और जिसका अलम बरदार आज पर्दे गैब में मौजूद है, जिसकी मदद से, जिसकी ताइद से वक्त के यजीद अपने अपने काविशों को पेश करते रहेंगे और करते हैं, लेकिन आज़ादारी पे कोई हर्फ नहीं आएगा। शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जिस वक्त, जैसा कि अभी मौलाना शारिफ साहब बयान कर रहे थे खुतबे के हवाले से, कि शहजादी ने जो खुतबा बयान किया है तो मुख्तसरन ये कि जो खुतबे को अगर तकसीम किया जाए, बहुत सी गुफ्तगू शहजादी की हुई लेकिन अगर कुल्ली एतबार से देखें तो शहजादी के तीन खुतबे हैं कि जो मुकम्मल हैं अपनी जगह। एक तो बाजार कूफा का खुतबा, दूसरा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह के दरबार का खुतबा और दो तीसरा यजीद के दरबार का खुतबा। और ये तीनों खुतबे, काश के हम आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मजलिसों में, अहले बैत टीवी के जरिए मैं एक गुजारिश भी करूंगा और एक पैगाम भी नजफ़ अशरफ जवाहर मौला से तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करूंगा कि तमाम बानियान मजलिस और ख़ुद हम लोग जो मजलिसें पढ़ते हैं खुतबा ज़ाकरीन, वो अपनी मजालिस में, अपने अशरे में शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे की तशरीह करें
उलमा ने जो मेहनतें की हैं, काविशें की हैं, और आज हम तक वो चीज़ें मुख्तलिफ लैंग्वेज में, जो जिस लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज को, शहजादी के खुतबे को देखे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे के मफाहिम को समझे, अगर हम इन खुतबों के मफाहिम के समंदर में अगर हम डूब गए तो मैं बस यही कहूँगा कि तैरने वाले को क्या मिलता है साहिल के सिवा, डूबने वाले ही गहराई तलक जाते हैं। तो जिंदगी को समझने के लिए, बंदगी को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए खुतबा शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा काफी है। लिहाजा हमें अपनी मजलिसों में खुतबा शहजादी को पे गुफ्तगू करनी चाहिए, अपनी नई नस्ल को शहजादी के बयानात सुनाने चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि मुझे शायद खुरासान हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की हदीस याद आ रही कि मौला बयान करते हैं कि अल्लाह रहम करे उस पर कि जो हमारे अमल को जिंदा करता है वो हमारा मददगार है। साहिल ने पूछा कि मौला आपका अम्र क्या है, तो मौला ने कहा कि हमारा अम्र हमारा इल्म है, जो हमारे इल्म को जिंदा करता है अल्लाह उस पर रहम करे। और मौला ने एक करिश्मा बताया अपने इल्म का, मौला ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से गुजारिश करने की जरूरत, हमारे इल्म में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि तुम हमारे इल्म को बयान करते रहो, लोग खुद खींचे चले आएंगे दरे हुसैन पे, लोग खुद खींचे चले आएंगे दरे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर। मुस्फी भाई, आप मुख्तसर अंदाज में आप प्रोग्राम करते हैं और आपका ये सिलसिला जो चल रहा है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, आप खुद देख लें करबला की ज़ियारत, जिसे आज अरबईन के नाम से दुनिया देख रही है, दुनिया वाले लाख कोशिशें कर रहे हैं कि ज़ियारत इमाम हुसैन पे लोग न जाएं, लोगों ने मौत की बारूदों को बिछाया लेकिन उसके बावजूद लोग उन बारूदों को पामाल करते हुए ज़ियारत इमाम हुसैन की तरफ चले आ रहे हैं, और न सिर्फ ये कि चले आ रहे हैं बल्कि इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जिंदगी उसे कहते हैं कि जो हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जाए, जिंदगी उसे कहते हैं जो मकसद ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हम अपने जिंदगी में लेकर आए। तो शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जिसकी किस्मत में लानत लिख दी है उसे कोई रहमतुल्ला नहीं बना सकता, ये अपनी जगह कुल्ली बयान है। लिहाजा हमारी हम आजादारों की जिम्मेदारी ये है कि हमें प्रोटेक्ट नहीं करना आजादारी को, हम इमाम हुसैन की आजादारी को तहफ्फुज़ नहीं दे सकते। आजादारी की वजह से ही तो हम जिंदा हैं, आजादारी नहीं हम ही तो हमें जी हम इतने कमजोर हैं, हम इतने नातवा हैं, हमारी लाचारी का आलम तो अल्लाह ने कुरान में कहा खुलकल इंसान ज़ईफा, मैंने इंसान को ज़ईफ और नातवा पैदा किया है। तो जब हम ज़ईफ अल्लाह के खिलकत के एतबार से हमारी ज़ौफ का अल्लाह ने ऐलान कर दिया, तो हम इतने कमजोर हैं कि कोरोना का इलाज आज तक नहीं लगा सकी पूरी दुनिया मिलके, जो लोग अपने को बहुत सो कॉल्ड सुपर पावर जो ममालिक अपने होने का दावा कर रहा, तो वो जब इस छोटी सी बीमारी जो दिखाई भी नहीं दे रही है, तो जब इसको हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हमारी कमजोरी का तो ऐलान हम खुद अपने वजूद से कर रहे हैं। तो हमें आज़ादारी को प्रोटेक्ट नहीं करना, हाँ आज़ादारों की जिम्मेदारी यह है कि जो तकद्दुस, जो एहतराम, जो रिस्पेक्ट जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने के जो बानी अज़ा हैं, जो पासबान अज़ा हैं, जो शहजादी ने जो तकद्दुस हमारे सामने पेश किए, उन एहतराम को हम बाकी रखें, उन एहतराम को पामाल होने से बचाएं। और उसके जरूरी है हमारा फरीजा यह है कि हम उसको उसके हकीकी अंदाज में बर्पा करते रहे, हमारा काम जी उसके हकी जी उसके हकीकी हकीकी अंदाज को, और वो जो एक बुजुर्गान से हमारे यहाँ एक आज़ादारी की रस्म आ रही है, आज़ादारी को जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से उलमा ने जिस तरह हमारे सामने आज आप तारीख देख लें, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल हो रही है, लोगों की तस्वीर वायरल हो रही हैं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी मुदामज़िलुल आली की तस्वीरें वायरल हुई कि मजलिस इमाम हुसैन अपने घर में बपा करते हैं वो, और बिल्कुल दर्रे दौलत पे अपने खड़े हो जाते हैं, और जिस तरह आज़ादार इमाम हुसैन की मस्जिद में शरीक होते हैं, वो तहजीब हमें बता रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी गरीब बन के करो, अमीर बन के नहीं। इमाम हुसैन की आज़ादारी में सादगी होनी चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में हमें एहसास गम होना चाहिए। आज जो दुनिया दूसरी डगर की तरफ जा रही है, ये कहीं ना कहीं दुश्मनों की एक साजिश है कि लोग फर्श अदा को छोड़ के नई नई चीजें पेश कर रहे हैं, कि चूंकि दुनिया तरक्की कर रही है, हमारे जहन में गम हुसैन को बेदार होना चाहिए, हमारे जहन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब की गुर्बत के आलम में फर्श अदा को बिछाने का जो मकसद था उसे बेदार करना चाहिए। और यही हमारे अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन से गुजारिश भी है कि फर्श अदा बनाया था ज़ैनब ने खाक को,
ताकि गरीब भी करे मजलिस हुसैन की। तो हम इमाम हुसैन की मजलिस गरीब बन के करें, अमीर मोमिनीन की दुआएं हमें मिलेंगी, सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैह की दुआ मिलेगी। और रज़ादारी के हवाले से आखिरी हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रसूल इस्लाम बयान करते हैं कि मन बका अला मसाबिल हुसैन और तज़क्करा और जलसफी मजलिस और खदम अहल अज़ा कअन्नहु ज़ारनी फिल अर्श 40 मर्रतन मा अली इब्न अबी तालिब, कि जो इमाम हुसैन पर गिरिया करता है, जो इमाम हुसैन को याद करके आहो बुका करता है, जो इमाम हुसैन की मजलिस में बैठता है, अब एक कदम आप आगे बढ़े रसूल इस्लाम के, ओ खदमा अहलल अज़ा, जो अज़ादारी की खिदमत करता है, किसी अज़ादार की खिदमत करता है, तो रसूल इस्लाम ने कहा का अन्नहु ज़ारनी फिल अर्श 40 मर्रतन मा अली इब्न अबी तालिब, उसे ये सवाब मिलेगा, उसे ये अज्र मिलेगा कि गोया उसने अली इब्न अबी तालिब के साथ अर्श पर 40 मर्तबा मेरी ज़ियारत की। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदादारी का सिला अल्लाह हमें दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। दुनिया में अल्लाह जो सिला दे रहा है वो ये है कि बेइज्जत माहौल में जिस कौम को इज्जतों की नजर से देखा जा रहा है उस कौम का नाम अज़ादार है, उस कौम के अहले बैत अलैहिस्सलाम के शिया के नाम से याद किया जाता है। लिहाजा हम इन एहतराम को पामाल होने से बचाएं और कभी भी किसी र्यूमर किसी अफवाह में कि फलाने ये कह दिया फलाने वो कह दिया, देखिए ज़हूर इमाम से पहले हमारी कौम रिफाइन होगी, छन छन के लोग बिल्कुल रिफाइन होके तरोताज़ा जो मोमिन होंगे वो बिल्कुल सामने आएंगे, और जो लोग इधर उधर से मिलावट के साथ इसमें शामिल हो गए हैं इन्हें हटाया जाएगा, इन्हें जुदा किया जाएगा। तो हमें इस बात की तरफ कान धरना ही नहीं है कि कौन आज़ादारी के खिलाफ बोल रहा है, कौन आज़ादारी के खिलाफ बातें कर रहा है, हमें बस ये परचम बुलंद रखना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को दिल के साथ दिल जमाई के साथ मिलजुल के इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन के साथ हमें करना है, मुत्तहिद फिर से यजीदी हुए लश्कर की तरह एक हो जाओ आज़ादार 72 की तरह। सुभानअल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आज़ादारी और उसके उसके जो उसका जो मकसद था जिसलिए इस तहरीक का आहिया किया गया और हमारी उसमें क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या दर्श मिलता है, तो हमारी आपके साथ जारी। थोड़ी देर में आपकी तरफ दोबारा आता हूँ किबला शाहिद शाह की तरफ तेजी से बढ़ूंगा। किबला कुछ नुकात जो कि हम 5 फसलतें जो शहजादी ने बयान की हम कल इस पर बात कर चुके हैं उसके आगे से थोड़ा सा शहजादी के खुतबे के कुछ जो जुमलात हैं वो तबरुकत हमारे नाज़िर के लिए हदिया फरमा दें। जी मैं अर्ज कर रहा था कि इस खुतबे में इब्तदाए कलाम से शहजादा ऐसे जुमलों का इंतखाब किया कि न जाने कितने प्रोपेगेंडे को पामाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि शहजादी ने जब खुतबा शुरू किया था तो पहले ही जुमले में क्या कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वाला अबी मोहम्मद, अभी कह दिया वहाँ पे, और कोई लफ्ज नहीं यूज़ किया, जब शहजादी और भी लफ्ज यूज़ कर सकती थी कि हम उनके घराने से हैं उनके खानदान से हैं, सीधे लफ्ज अब यूज़ कर दिया। अब का मतलब होता है बाप, तो लफ्ज़ बाप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज़ किया कि मेरे पास है, यही जुमला बोलना था कि अब बहुत सारे मसाइल हल हो गए होंगे उन लोगों के जिनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा था। सही बेशक ऐसी थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से माजरत चाहते हैं कि मेरे ख्याल में थोड़ी सी तातुल का शिकार हुई है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी फरमाइए। तो कहा कि तो ऐसा ना समझो कि हम कोई जी केवल आवाज ब्रेक, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है रोमान रिजवी साहब। जी आप बयान कर रहे हैं शारिफ भाई मुसलसल बयान कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू आ गया। शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे के हवाले से और आपके इशार और आपके कुर्बानी और आप ने जिस अंदाज में अज़ादारी की बुनियाद रखी और जिस मसायब के माहौल में शहजादी ने अज़ादारी की बुनियाद रखी, देखिए अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खुद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हम इस हवाले से देखें कि इमाम हुसैन ने जो अपनी कुर्बानी पेश की, जो इमाम हुसैन ने क़याम किया वो इस्लाह उम्मत के लिए किया, और जो अजीम कुर्बानी जो अजीम क़याम इमाम ने किया उसकी एक बुनियादी किरदार उस क़याम का एक दरख्शां सितारा शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमारे सामने आया। शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वाक़ियात करबला को इमाम हुसैन के पैगाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिहाद को जो यूनिवर्सल अंदाज में सारी दुनिया के सामने पेश किया
उस पैगाम शहादत को आम लोगों तक पहुंचाने का काम बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने किया। खुतबा शहजादी का अगर हम मुतालिया करें तो ये उस पैगाम रसानी में एक अहम किरदार अदा करता है खुतबा, कि हर जगह हर मकाम पे शहजादी गई और अपना तारुफ, जिस तरह भी क़िबला शरीफ साहब ने बयान किया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, शहजादी ने अल्लाह की हम्द के साथ अपने नाना के ऊपर दुरूद व सलाम अर्ज किया और ये कहा कि दुरूद व सलाम हो मेरे जद मेरे नाना रसूल इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यजीद की शिकस्त का ऐलान खुतबे के पहले सत्र में ही शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह ने कर दिया कि तुम जो हमें असीर करके लाए हो, तुम रसूल इस्लाम की नवासी को असीर करके लाए हो, तुम अहले हरम को जो आज असीर करके अपने दरबार में लाए हो, ये वो घराना है कि जो इब्ने मक्का है, जो इब्ने काबा है, जो इब्ने अली है, जो इब्ने फातिमा है, और वो सैयद सज्जाद का खुतबा और जिस तरह बीबी सकीना सलामुल्लाह की गुफ्तगु, ये तमाम चीजों को अगर हम मुख्तसर अर्ज करें तो यही हमारे सामने आता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने बता दिया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस मुसीबत के माहौल में अल्लाह के जिक्र को आबाद किया ता कयामत अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जिक्र के उस मदरसे को कायम कर रहा है। और आज जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे जिक्र हुसैन का फैलाव बढ़ता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना ने जहां बड़ी मुसीबतें फैलाई वहीं ऑनलाइन आजादारी के जरिए जिक्र हुसैन घर घर में पहुंच गया, जहां लोग नहीं भी चाहते थे वहां भी जिक्र हुसैन पहुंच के अपनी रोशनी बिखेर रहा है। और उसका असर ये हुआ कि बहुत से लोगों ने शियों के खिलाफ, आजादारों के खिलाफ, मजलिस हुसैन के खिलाफ जो प्रोपगंडे मचाए हुए थे, प्रोपगंडे अफवाहें फैलाई हुई थी कि मजलिस में ये माजल्ला होता है, मजलिस में ये चीजें होती हैं, शियों के यहाँ 40 पारे का कुरान है और शिया इस तरह की गुफ्तगु करते हैं, उनके यहाँ ये अकीदा है, तो ऑनलाइन आजादारी ने शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जिस आजादारी की बुनियाद रखी थी, आज ऑनलाइन आजादारी ने उसकी सही तस्वीर पेश करके सारी दुनिया के सामने बता दिया कि सरों में सबसे बुलंदी पे सर हुसैन का है, मलक हुसैन का, कादिम बशर हुसैन का है। ये वाकया है कि भीख मांगने वाला जहां से खाली न लौटा वो दर हुसैन का है। मुफी भाई आपसे भी और शारी भाई से भी इजाजत तलब कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप सबकी तरफ से तमाम नाज़रीन अहले बैत टीवी की जानिब से आज हरम अमीर मोमिनीन में नायब ज़ियारत भी रहेंगे, कल शबे जुमा करबला मोहल्ला में, बारगाह अबुल फज़ल, बारगाह इमाम हुसैन में भी नायब ज़ियारत रहेंगे, दुआगो रहेंगे। अल्लाह आप सबको करबला नजर तमाम अदवात आलिया की ज़ियारत नसीब फरमाए। बस यही दुआ है कि या अल्लाह बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहि सलाम के दौर में तअज़ीम फरमा, हम सबको इमाम की खिदमत नुसरत करने की तौफीक करामत फरमा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन हम समाप्त फरमा रहे थे जनाब मौलाना रुमान रिज़वी साहब की वजह से, फराग से मौलाना को कि और मसरूफियत भी हैं और मौलाना ने बहुत अच्छा आज़ादारी की के ऊपर जो है वो अपने राय का इजहार फरमाया और हमारी जिम्मेदारियों के ऊपर हमें उससे क्या दर्स मिलता है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी मसूलियत क्या है। कोई भी शख्स बगैर मसूलियत के खल्क नहीं हुआ, सबको परवरदिगार ने मसूल और जिम्मेदार खल्क किया है। तो उस तरफ हमारी नौजवानों की तवज्जुहात को क़िबला ने मंजूर फरमाया। क़िबला शारिफ साहब हमारे साथ आखिर तक इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे, खुतबे की आप शरह फरमा रहे हैं, क़िबला उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करें जहाँ से रोहान साहब ने खुतबे को छोड़ा है। थोड़ा सा कुछ और हदिया तबरुकन हमारे नाजरीन के लिए उन जुमरात को जो शहजादी के लिसान सादिक से जारी हुए हैं, हमारे लिए थोड़ा सा हदिया फरमा दें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शहजादी ने जो कहा सबसे पहले लफ्ज अब का इस्तेमाल कर दिया, यानी बहुत प्रोपेगेंडे खत्म कर दिए। तुम समझते हो कि मेरे बेटे अथार नहीं है, मैं उनकी बेटी हूँ, जो काम मुबाहला में पैगंबर ने अमली तौर पर किया था, हसनैन को अबना की जगह पर ले जाकर किया था। जी सही, कॉल ले लो। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो तारिक ने आर्मी बदर। जी मौला अली बदर, सलाम। फायदे में ज्यारत करना चाह रही हूँ, ज्यारत के लिए कह रही थी वहाँ जाके हम भाई तरफ से भी ज्यारत करें और जिंदगी तंदुरुस्ती बच्चे से, मेरे बेटे का कुछ काम पे नहीं लग रहा, कारोबार में उसके बच्चे की शादी होने वाली है। ठीक है जी, मैं दुआ करवा देता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी बेहतर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है।
हम इतने इतने चेहरे लगे, बहुत बहुत बीमार है बेटा भी, हमने ठीक है अभी 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 कबला दुआ भी करते थे, ठीक है जी अभी अभी कबला दुआ कर देते, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, जजाकल्ला, जजाकल्ला कबला, हमारी बहन की दुआ फरमा दी, जो जुमला परेशानियां हैं परवरदिगार बेहतर जानता है, सत्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के वो हल हो जाए इंशाल्लाह, दुआ फरमा दी, मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी बहन और जो माँ जैसी जो भी हो, खुदावंद आलम की मुश्किलात को आसान फरमा दे और जो इनकी ख्वाहिश हो उसे पूरा फरमा दे इंशाल्लाह ताला। तो अर्जी कर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे से पहले ही जुमले से प्रोपेगेंडे को खत्म करना शुरू किया, जो काम पैगंबर ने मुबाहले में किया था अब ना की जगह पर जनाब हसनैन को ले गए थे कि मेरे बेटे हैं ये पहचानवाया था, जनाब ज़ैनब ने वही काम यहाँ भी कर दिया, सीधे अब कह दिया, अब कह दिया यानी हम उनकी बेटी हैं पैगंबर की, अगर तुम समझते हो कि हम जो है बागी हैं कोई और मानती रहे तो हम उनकी बेटी हैं, अब पैगंबर की बेटी और बेटे के मुकाबले में ये लोग आए थे, लिहाजा कैसे हक पे हो सकते हैं, ये बात हो गई। इसके बाद जो है मैंने उनके रोने की बात की, बीबी ने यहाँ पर आगे जो बात की है ये कहा फला रकाती नमातो वला हजाती रन्नतो, जब कहा कि तुम लोग ए अहले धोखा अहले खयानत तुम रहे हो, तुम लोग बीबी ने कहा कि तुम्हारा रोना धोना और तुम्हारा ये गिरिया और नाला बुलंद करना ये हमेशा हमेशा बाकी रहे, इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर रो, यानी ये तुम्हारा रोना एक जो है मुकद्दस रोना नहीं है, ये मुनाफिकत भरा रोना है, तो तुम हमेशा रोते रहो। आज 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 अगर इसकी मौजूदा शक्ल देखें, आज अगर इसकी मौजूदा शक्ल देखने की कोशिश करें तो क्या हम उस तबाही से ताबीर कर सकते हैं जो मतलब मुस्लिमा के अंदर जो शिराजा बिखरा हुआ है, क्या हम उसको इधर मुंतबिक कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि जिस तरीके से करबला का क्याम सन 61 हिजरी के लिए नहीं था बल्कि ता क्याम क्यामत उसके असरात नुमाया होने वाले और लोगों की हिदायत का जरिया है, लिहाजा उससे रिलेटेड जितने भी वाकयात हैं वो उस जमाने के लिए नहीं है, शहजादी जो बयान फरमा रही है यकीनन वो सिर्फ उस मजमे के लिए नहीं बयान फरमाया था बल्कि उस मजमे के जरिए थे, बाद में जितने भी एतराज हो रहे हो इस वाके पर या लोगों के जहन में कंफ्यूजन इजाद हो रहा हो उन तमाम कंफ्यूजन को शहजादी का ये खुतबा दूर करे। आज भी तमाम उम्मत मुस्लिमा इसके मुखातब हैं कि अगर जो है यहाँ पर दिखावा हो रहा है या मुनाफत वाला काम हो रहा है तो यकीनन शहजादी की ये जो बददुआ है ये उनके शामिल हाल होगी और वो रोएंगे अपनी किस्मत पर रोएंगे हमेशा। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा जो जिन्होंने अपने को इस दर से दूर किया या जिन्होंने अपने को इस दर से दूर करने के साथ साथ बुग्ज दिल में बिठाया या जो है दुश्मनी मोल ली इस खानदान से कहीं ना कहीं इनके साथ हमेशा परेशानियां रहेंगी। परेशानियां का मतलब ये नहीं है कि किसी के तकलीफ में होना बीमार होना ये सब परेशानी है तो हम खुदा न खास्ता उस उम्र में चले जाएंगे, वो तो मोमिनीन के लिए एक अलग उम्मत होगी, उम्मत की उम्मत उम्मत की सरगर्दानी अलग है, पूरी हाँ पूरी उम्मत की सरगर्दानी हाँ जी। लेकिन जो शहजादी ने कहा कि जो तुम लोग अहले धोखा और अहले खयानत हो तो धोखे और खयानत के साथ अगर आके कोई हुसैन पर हमारे यहाँ मुहावरा है इस्तेमाल होता है मगरमच्छ के आंसू, अगर कोई इस तरीके से गिरिया कर रहा है तो शहजादी ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि तुम हमेशा रोते रहो तुम्हारी किस्मत में रोना लिख दिया है और लिखा रहेगा। तो अजीज तो इस तरीके से शहजादी ने यहाँ पे बात की। उसके बाद पांच सिफात का जिक्र किया, पांच सिफात का जिक्र करने से पहले एक बड़ा जो सूरह नहल में भी खुदावंद आलम ने उसे इस्तेमाल किया है, सूरह नहल आयत नंबर 92 में वहां पर उस जुमले को इंतखाब किया है, वहां पर बयान किया है, उसी से लेकर के शहजादी ने यहाँ पे भी क्या कहा इन्नमा मसलुकुम कमसलिल्लती नकजत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, कहा कि तुम्हारी अहले कुफा तुम्हारी मिसाल उस खातून जैसी है कि जो खुद और अपनी कनीजों के साथ मिल करके रुई काटती है धागा बनाने के लिए रुई को काटती है, उसके बाद जब तैयार होने लगता है तो फिर उसे पारा पारा कर देती है उसे काट देती है। हाँ शहजादी ने कहा कि तुम लोग इस तरीके के हो यानी तुम लोग क्या कर रहे हो अहले कुफा तुमने जो काम किया है तुम्हारे इस काम से बजाय कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए तुम पीछे चले गए हो बैकफुट पे तुम चले गए हो ना कि बैकफुट पे बल्कि जो पिछली तुम्हारी कारकर्दगी थी
पिछली जो तुम्हारी हैसियत थी, पिछला जो तुम्हारा किरदार था, उसी तरफ वो भी तबाह हो गया। यानी वो जो मसल है जिसमें उस यानी वो खातून जो रुई बनाती, रुई से धागे बनाती थी, धागे बना के अब उसके आगे की मंजिल उसे तय करनी थी, लेकिन फिर उसे पारा कर दे रही है, उसे तोड़ दे रही है, काट दे रही है, तो फिर असली पुरानी हालत पे आ जा रहा है वो। तो जनाब तुमने जो काम सही आप बात मुकम्मल कर ले, मैं फिर सवाल करूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि अहले कुफा तुमने ये जो काम किया है, इससे बजाय इसके कि तुम एक कदम आगे बढ़ते दीन और ईमान के सिलसिले से, तुमने अपना कदम पीछे की तरफ बढ़ाया है, पीछे तुम चले गए हो, मुनरिफ हो गए हो, गुमराही की तरफ फिर पलट गए हो। वही काम जो उस खातून ने किया था कुरान के हवाले से, तुमने वही काम कर डाला है। ये अहले कुफा के लिए वहां पर मुखातब होकर इसका आलमी इम्पैक्ट क्या है, आलमी असरात जिसे हम कहते हैं, यानी यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी जो भी वो अमल है वो मखसूस नहीं है जमान और मकान से, वो बाहर है। ये नहीं कि मतलब अगर मौला अमीर मोमिनीन हजरत अली अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के अंदर खुतबा दे रहे हैं तो उसके मुखातिबीन वही है जो बीच में खड़े हुए कह रहा है कि मेरे सर पे बाल कितने हैं, तो क्या उन लोगों के लिए तो खुतबा नहीं है? आज न्याज़ बलागा के अंदर मकतूब वो खुतबात मौजूद है, क़यामत तक नस्लें उससे इस्तफादा करती रहेंगी जिस तरह से करती हुई चली आ रही है। उसके उसकी तफसीर होती है, हर नौजवान नस्ल 20 साल के बाद जिस तरह कुरान उसकी तफसीर उसकी इल्मी प्यास बुझाता है, इस तरह मौला अमीर मोमिनीन के मकतूब और वो हिकायतें वो हिकमतें वो उसके अंदर सरचश्मे है हिदायतों के, वो उनकी प्यास बुझाते हैं। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई अमल उस वक्त के लिए मखसूस नहीं होता, तो ये खुतबा जिन लोगों से दिया गया यकीन क़यामत तक के लिए इसके असरात होने चाहिए, वो आलमी असरात क्या देखते हैं आप? जी, खुतबे का आलमी असर अगर हम देखें तो यकीनन जो हम लोग क्योंकि इस दीन में इस दीन के साथ पैदा हुए, इस मजहब के साथ पैदा हुए, इनकी मोहब्बत के साथ पैदा हुए, इसलिए शायद हमारे लिए थोड़ा सा तसव्वुर करना या उसे प्रैक्टिकली हजम करना थोड़ा सा सख्त पड़ रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन आप तसव्वुर करें कि आप इस दीन में नहीं हैं और आप जैसे वाकई कि एक झाप जब वहां पर ये उसकी एक झलक पहुंची आपके सामने और उसके बाद जब आपने स्टडी शुरू किया और जनाब ज़ैनब के इस खुतबे पर पहुंचेंगे तब वहां पर ये असर दिखाना शुरू करेगा। मानने वालों के लिए तो है ही इसमें बातें, करबला के जो वाकयात हैं, करबला में जहां दर्स हैं वहां इबरतें भी हैं। दर्स सही एक पैगाम होता है, इबरतें जो होती हैं वाकये से वहां जो चूक हो गई है, भूल हो गई है या वहां जो चीजें जो इंसिडेंट हो गया है उससे हम क्या सीख सकते हैं, हम कैसे उसको अपने उसे कैसे सही कर सकते हैं। एक बातें तो वो है जो साफ साफ पैगाम, तुम्हें ये करना है, हमने इस क़याम को इसलिए किया, आमरा बिलमारूफ अनहा अनिल मुनकर, इसलिए मैंने ये काम किया है, लेकिन हर काम इमाम ने कहा नहीं है, कुछ काम वहां पर हो गए, काम वहां पर प्रैक्टिकली अंजाम पाए हैं, तो उन कामों के जरिए से हमें इबरतें लेनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग गुमराही के बाद भी नजात की तरफ आ सकते हैं, ये भी एक इबरत है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग दीन पे होने के साथ साथ गुमराह भी हो सकते हैं, ये भी करबला की इबरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इमाम पे वो आ सकते थे, उनके हालात साजगार थे लेकिन नहीं आए, साजगार नहीं आए, वही हमारे लिए इबरत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से ये बात भी हमारे लिए है कि इसमें जहाँ पैगाम हो जाता है दूसरों के लिए, वहीं पर उनके मानने वालों के लिए इबरतें हो जाती हैं कि देखें अहले कुफा किस तरीके से थे। अहले कुफा अब ईमान की तरफ आगे बढ़ रहे थे, भाई सी बात है, पैगंबर का जमाना बिल्कुल सही देखा, इमाम हसन अली सलाम का जमाना देखा, इमाम हुसैन अली सलाम का, और अब बजाय इसके बातें ईमान के मरहले में आगे बढ़ते और अब किस तरीके से ये लोग पीछे की तरफ चले गए, तो ये बिल्कुल सही, ये इबरत हो जाएगी तमाम इंसानों के लिए। तो इस तरीके से आज जो हम प्रैक्टिकली इसको अपने जहन में बसा सकते हैं या तस्वुर इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि वो पलट सकते हैं तो हर इंसान के अंदर मरने के पहले तक ये खदशा पाया जाए कब गुमराही की तरफ जाना है, यही में तवज्जो कर दिया है। देखो उस काम से दूर रहो। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्र गुजार है, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं अपने दोनों मेहमानान गिरामी के, जिसमें हमारे साथ शामिल हुए मौलाना रुमान रिजवी साहब नजफी अशरफ इराक से, हमारे साथ शामिल हुए मौलाना मोहम्मद शारिफ साहब
हिंदुस्तान से, और हमारा मौजू इस्तकामत जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा और उसके आलमी असरात, इसके ऊपर हमारी नाज़िम गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त फिलहाल रुका है, हमने तमाम किया है क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हुआ है, और इंशाल्लाह कल जो के टाइम से 3 बजे उसको दोबारा जाए।